Friends, on the behalf of staff members and management, wish you happy Diwali to all of you. It is our pious duty to celebrate this Diwali and make Delhi pollution free. Now it's your duty and you have to do manthan that what will you do. Again, from our side, wish you happy Diwali to you, to your parents and to your friends. Thank you. Namaskar. पर्व किसी देश की आत्मा होते हैं, जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में से आत्मा निकलकर वह मुर्दे के समान हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई देश या जाति अपने उत्सवों को मनाना छोड़ दे तो उसका आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पतन हो जाता है। मेरा ये मानना है कि भारत त्योहारों का देश है और दिवाली की जो महिमा है वो वाकई में ही बहुत अच्छी है। और इस दिवाली के मौके पे 2021 में कोरोना के बाद मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मेंबर्स को। इसी बात के साथ धन्यवाद। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूं। हर घर दीप जगमगाए तो दिवाली आई है, लक्ष्मी माता जब घर पर आए तो दिवाली आई है। दो पल के ही शोर से क्या हमें खुशी मिलेगी, दिल के दिए जो मिल जाए तो दिवाली आई है। घर की साफ सफाई से घर चमकाए तो दिवाली आई है। पकवान मिठाई सब मिलकर खाए तो दिवाली आई है। पटाखों से रोशनी तो होगी लेकिन धुआं भी होगा। दिए नफरत के बुझ जाए तो दिवाली आई है। इस दिवाली सबके लिए यही संदेश है कि इस दिवाली हम लक्ष्मी का स्वागत दियों से करें, पटाखों के शोर और धुएं से नहीं। इस बार दिवाली प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। दिवाली खुशी बनाएंगे, मिलजुल कर यह त्योहार बनाएंगे। 14 साल काटा वनवास, राम जी आए भक्तों के पास, खुशियों के दीप जलाएंगे। आए दिवाली खुशी बनाएंगे, दिल से सारे बैर भुलाकर, एक दूजे को गले लगाकर, आए दिवाली खुशी। सुप्रभात, मेरा नाम शिवालिका शारदा है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने दिवाली के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दिवाली। दिवाली का ये दिन आया सबके मन को है हर्षाया, दिवाली का ये दिन आया सबके मन को है हर्षाया। बात अगर तुम याद रखोगे चारों और खुशियाँ बांटोगे, बात अगर तुम याद रखोगे चारों और खुशियाँ बांटोगे। बात फतेह की तुम्हें बताऊं पर्यावरण का याद दिलाऊं, बात फतेह की तुम्हें बताऊं पर्यावरण का याद दिलाऊं। ना नहीं जलाना फुलझड़िया तुम, नहीं नहीं जलाना लड़ियों को, नहीं जलाना फुलझड़िया तुम, ना ही जलाना लड़ियों को। सारा जहां करो दियो से रोशन, सारा जहां कर दियो से रोशन, खूब मिठाई खाना तुम,
खूब मिठाई खाना तुम, नए कपड़े पहनकर ही सबसे मिलकर जाना तुम, नए कपड़े पहनकर ही सबसे मिलने जाना तुम। दिवाली का ये दिन आया, दिवाली का ये दिन आया, सबके मन को है हर्षाया, सबके मन को है हर्षाया। धन्यवाद। मेरा नाम नैतिक अधिकारी है। आज मैं आपको दीपावली के उपलक्ष्य पर एक सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस साल दिवाली कुछ इस तरह मनाना दोस्तों, नफरत को बुलाकर दीप खुशियों के जलाना दोस्तों। न रह जाए कोई गम ना कोई शिकायत, दीप की दीवारों पर रंग खुशियों के लगाना दोस्तों। बस बहुत ले लिया धनतेरस पर घर का सामान, परंतु इस साल किसी गरीब का घर सजाना है दोस्तों। भाई बहन के प्यार का भी है ये त्योहार, भाई दूज पर रूठी बहन को मनाना है दोस्तों। दूर कर दो अंधकार को, मिटा दो अहंकार को, दूर कर दो अंधकार को, मिटा दो अहंकार को, क्योंकि दीप की तरह जगमगाना है दोस्तों। कुछ इस तरह दिलों से दिलों को मिलाना है दोस्तों, अपनों को ही नहीं परायों को भी अपना बनाना है दोस्तों। इस साल दिवाली कुछ इस तरह मनाना है दोस्तों, इस साल दिवाली कुछ इस तरह मनाना है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली।
दीपों का इस त्योहार में बहुत महत्व है। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो दीप जलाकर बहुत सादगी पवित्रता से त्योहार मनाएं, पटाखों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, पटाखा मुक्त दिवाली मनाएं। आप सभी बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई होप योर डे इज फिल्ड विद फन, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय। डियर स्टूडेंट्स, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ दियास, नॉट फायरवर्क्स। सो लेट्स सेलिब्रेट अ पोल्यूशन फ्री एंड ग्रीन दिवाली। आई विश यू ऑल अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।